हाँ बेटा, हमने ये चौपाई कंप्लीट हमारी हो चुकी है। चौपाई के अंदर जो कुछ था एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, फिर हम इस दोहे को करेंगे। एक दोहा बचता है आपका, तो इसमें बताया गया था, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि देवताओं के सभी धनुष समान होते हैं, हमने ऐसा जाना था। राम ने तो इसे नए के धोखे में छुआ था, ये पुराना धनुष टूट जाने से क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, बोले चितु परशु की ओर। इतना लक्ष्मण की ये बातें सुनकर परशुराम फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैंने बालक समझकर अभी तक आपको नहीं मारा, मेरे कठोर स्वभाव के बारे में मुनि लोग ही जानते हैं। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला हूँ। पूरे संसार के अंदर स्त्रीय कुल के विनाशक के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ। अब मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था और कई बार धरती देवताओं को दान में दे दी थी। मैंने अपने फरसे के द्वारा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। हे राजा के किशोर बालक, तुम इस फरसे को देखो, ये फरसा है इतना ताकतवर जिसके द्वारा मैंने ये सब किया है। आगे क्या कहता है दोहे के अंदर परशुराम, कि मात पिता जन सोचवश करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अभरक दलन परशु मोर अति घोर। क्या कहने लगा, तू हे महिष किशोर, से पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, हे राजा के किशोर बालक। किशोर बालक बेटा जानते होगे, आपकी जितनी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किशोर होते हैं, 13 से 16 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें किशोर कहा जाता है। तो यहाँ परशुराम ने कहा, महिष मीन राजा, हे राजा के किशोर बालक, तुम माता पिता, अपने माता पिता की चिंता को बढ़ाने के लिए करसी ऐसा कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो, मेरे सामने इतना बोल रहे हो, इससे तुम्हारे माता पिता की चिंता बढ़ेगी। अच्छा बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, कैसे बढ़ेगी चिंता, क्योंकि परशुराम कह रहा है, मैं अब तक तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ और अब मैं तुझे मारूँगा और तुम्हारे माता पिता की चिंता उससे बढ़ जाएगी, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैं बड़ा ही भयानक हूँ और भयानक फरसा मेरे पास है। गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, गर्भन्य मीन गर्भ के अंदर, अर्भक बच्चा, दलन दल देता है, परशु फरसा, मोर मेरा, अति मीन ज़्यादा, घोर मीन कठोर, मेरा फरसा इतना कठोर है, इतना अधिक कठोर है कि वह गर्भ के अंदर के बच्चे को भी दल देता है, मार देता है। अपने फरसे की कठोरता के बारे में बताया गया है कि कहीं कोई मेरे सामने कहीं भी छुप जाए, कहीं भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा फरसा भयानक है, वो गर्भ में भी बच्चे को मार देता है, वहाँ भी जीवित नहीं छोड़ता। तो ये सब बातें इसके अंदर बताई गई। तो ये हो गया आपका पूरी चौपाई। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अलंकारों के बारे में कर लेते हैं बेटा, देख लेते हैं इस पूरे पहरे के अंदर क्या कुछ आया। अलंकार तो बाद में करेंगे, पहले हम इसकी भाषा जान लेते हैं। इस राम लक्ष्मण परशुराम की भाषा मैंने पहले पद में भी आपको बताई होगी, ना पहले चौपाई की उसमें भी बताई होगी। तो क्या भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।